एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसको कह सकते हैं T20 के मैच का आयोजन हो रहा है, जो कि अपने आप में एक अनोखा प्रयोग होगा, एक अनोखा कार्यक्रम होगा। इसी ऐसी अनूठी छटा इस समय देखने को मिल रही है अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन क्लब के अंतर्गत, जहां 8 प्रदेशों की मूक बधिर टीम हमारे साथ आई हुई है। और मैं आज भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं अनुभव गौतम की, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले अनुभव हमारे साथ हैं और आयोजक भी हैं, इनका सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं अनुभव का। आप अनुभव गौतम हैं, कप्तान हैं उत्तर प्रदेश की टीम के। हमारे साथ इमरान, जो कि गुजरात से आए हुए हैं, जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, डेफ के भी साथ ही साथ एक खिलाड़ी हैं, गुजरात से आए हुए हैं अलीगढ़ के अंदर, और इसके अलावा ये भारत देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां आज गुजरात से ही भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और भारत के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इमरान। हमारे साथ मध्य प्रदेश की टीम के भी मैं आपका नाम प्रदीप जी, जो इस समय आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम को। रावत जी हैं, रावत जी मेरे साथ राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 8 प्रदेशों की टीमों के कैप्टन हमारे साथ इस समय हैं। 3 दिन का एक वृहद आयोजन अलीगढ़ के अंदर होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसी भी तरीके से जो टीमें आपस में हिस्सा ले रही हैं वो मूक बधिर टीमें हैं। सारी टीमों के अंतर्गत जोश दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ 150 से अधिक खिलाड़ी इस समय अलीगढ़ के अंदर मूक बधिर आ चुके हैं। ऐसा वृहद आयोजन पहली बार देखने को मिलेगा अलीगढ़ की धरती के ऊपर। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से साइन लैंग्वेज से अपनी खुशी जाहिर करते हैं ये लोग। ये एक बहुत बड़ा एक अनूठा आयोजन है हमारी तरफ से, एबी लाइव न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सबको। आइए साथ ही साथ एक आयोजन समिति की और भी लोगों से आपको मिलवाते हैं। कपिल वाशने जी, जो मुख्य सचेतक के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, साथ में हैं। मैं कपिल जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि कपिल जी नमस्कार विजल भैया, मैं तो बस इतना कहूंगा कि इन बच्चों ने अपने आप ही एक मुहिम चालू करी थी, उसमें हम लोगों ने सपोर्ट करने का प्रयास किया। आज वो सपोर्ट आप सब लोगों के माध्यम से, हमारे मजर भाई के माध्यम से, हमारे दिनेश आशीष दादा के माध्यम से बहुत बड़ी हो गई। इन लोगों के लिए अच्छा अरेंजमेंट हो पा रहा है, इनको एक अच्छा माहौल दे पा रहे हैं, और सारे राज्यों की टीम आई है, उनको हमने बधाइयाँ दी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा अंतर्राज्यीय मूक बधिर बच्चों का टूर्नामेंट हो रहा है। इन लोगों में बहुत हर्ष और उल्लास के मतलब इनका मन है और अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे। हमारे साथ मजर भाई भी हैं, जो कि मूवी से तो है ही हैं, लेकिन खेल के प्रति इनका जो जज्बा है और साथ साथ मूक बधिर बच्चों के लिए जो जज्बा है वो अनोखा है, देखने लायक है। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में मनोज भाई? पहले कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अलीगढ़ के और जो भी लोग सुनने वाले हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा के बाद, क्योंकि ये एक तरीके से जो सपना था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो खेलेगा वो खिलेगा, तो जो खेलेगा तो खिलेगा, तो इसकी वजह से इस चीज़ को साकार कर रहे हैं हमारे मूक बधिर बच्चे कि जो खेल रहे हैं और खिल रहे हैं, और साथ में फिट इंडिया के मोमेंट को भी एक इससे ताकत मिलेगी, और विशेष रूप से ये एक संदेश देगा पूरे उत्तर प्रदेश को और अलीगढ़ में आए हुए 8 प्रदेश के लोगों को कि इस जब तक हमें अगर स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ के लिए जो जरूरी है खेल, और उसके साथ साथ जो जहां पर हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वहीं पर इस देश का जो में खुशहाली है, और इन बच्चों में और इन खिलाड़ियों में वो मैसेज हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।